स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो बायोलॉजी की लाइव क्लासेस है उस क्लास में हमारा जो आज का टॉपिक है वो 12th क्लास के लिए। 12th क्लास में आपको स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस मतलब शुक्राणु जनन, अंडाणु जनन, शुक्राणु की संरचना, ये सब आपने देखी होगी। अब बात आती है अंडाणु की। अंडाणु की संरचना हमको इसलिए जानना आवश्यक है ताकि हम फर्टिलाइजेशन की क्रिया को समझ सकें। तो शुक्राणु और अंडाणु दोनों में क्या अंतर होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो अंडाणु होता है वो उसका आकार होता है गोल और ये अचल होता है, जबकि शुक्राणु आपने देखा कि उसके जो शरीर होता है उसे पूंछ पाई जाती है जिसके कारण वो आगे बढ़ता है, चलता है और चलने के लिए उसको माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसमें पूंछ नहीं होती है इसलिए ये अचल होता है। ये आकार में जो होता है शुक्राणु से बड़ा होता है, गोल होता है, अचल होता है और यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये आकार में जो होता है वो बड़ा होता है। तो ये याद रखें आप इसकी मेन पॉइंट। उसके बाद बात करते हैं हम कोशिका द्रव्य। इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है, ये कोशिका द्रव्य है, ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और शुक्राणु के जो है उसमें कम होता है कोशिका द्रव्य, अंडाणु में कोशिका द्रव्य ज्यादा होता है। बीच में यहाँ पर जो है केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर एक छोटी केंद्रिका होती है। इसके अलावा इसका बीच का द्रव्य कोशिका द्रव्य कहलाता है। इसमें योक जो होता है अनुपस्थित होता है, योक वाला पार्ट इसमें नहीं पाया जाता। आपने सामान्य अंडा देखा होगा, उस अंडे में जो है हम देखते हैं जो हम खाने के रूप में उपयोग में लेते हैं, उस एग में आपने देखा होगा येलो कलर का एक पार्ट होता है, उसको कहते हैं योक, वो इसमें अनुपस्थित होता है। फिर उसके बाद में इसमें जो इस तरह झिल्ली पाई जाती है, कोरोना रेडिएटा और जोना पेरोसिडा, ये यहाँ पर जो है एक सबसे बाहर फॉलिकल सेल्स भी होती है, साथ में इसके कुटिकाएं कोशिकाएं भी होती है और ये कोरोना रेडिएटा की एक झिल्ली पाई जाती है। यहाँ पर भी जो है आसपास लेयर होती है कोरोना रेडिएटा और अंदर की तरफ जो होती है वो पारदर्शी स्त्रावित जो है वो एक जोना पेरोसिडा होती है, जिसको हम विटेलाइन झिल्ली भी कहते हैं, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन या उलेमा इसका नाम है। तो इसको ये जोना पेरोसिडा और कोरोना रेडिएटा इन दोनों भुट्टियों को जो है गलाने के बाद में ही यहाँ पर जो शुक्राणु आता है वो दोनों इन दोनों भित्तियों को बैधित करके अंदर जो है अंडाणु के जो केंद्रक है उससे फ्यूजन करता है, संयोजन करता है, तभी जायगोट का निर्माण होता है। उसके बाद में इसमें अगुणित केंद्रक उपस्थित होता है। ये जो केंद्रक है क्योंकि ये मादा युग्मक है और मादा युग्मक का केंद्रक कैसा होगा अगुणित, शुक्राणु का भी केंद्र कैसा था नर युग्मक का भी अगुणित, और दोनों अगुणित अगुणित मिलेंगे तो क्या बनेगा द्विगुणित। तो ये यहाँ पर अगुणित केंद्र है। ये प्रोसेस होती कहाँ है, अंडाशय में जब अंडाणु जनन की प्रोसेस होती है और ओजेनेसिस, तब अंडाणु का निर्माण होता है। और आपको मैंने बताया था कि हमारी जो मादा के शरीर में ओवरी पाई जाती है तो प्रत्येक ओवरी में जो होता है अल्टरनेट, एक मंथ में एक ओवरी में एक अंडाणु का निर्माण होता है तो दूसरी ओवरी में दूसरे मंथ में एक अंडाणु का निर्माण होता है। तो ये इस तरह से जो है क्रिया चलती है और प्रत्येक माह एक अंडाणु जो है उसका निर्माण होता है। अब ये यहाँ पे जो झिल्ली बताई हुई है विटेलाइन केंद्रक, यहीं से जो है फर्टिलाइजेशन की क्रिया प्रारंभ होगी। मैं एक थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता दूं कि ये इसी के पास में ये शुक्राणु, आपको चित्र बताया शुक्राणु का, चम्मच के आकार का शुक्राणु होता है जो हेड नेक टेल तीन भागों में बटा होता है। ये हेड नेक टेल और ये इसका केंद्रक, ये केंद्रक कैसा है अगुणित है ना, और इसका भी अंडाणु का भी जो है ये सॉरी ये जो अंडाणु है इसका भी यहाँ पे अगुणित होता है एंड है ना। तो ये यहाँ से एक्रोसोम जिसके अंदर गोल्जी बॉडी पाए जाते हैं और बहुत सारे एंजाइम का स्त्राव करते हैं और ये आगे बढ़ के और ये यहाँ पे इसकी भित्ति को क्या कर देता है बाधित कर देता है, जिसके कारण इसका केंद्रक और इसका केंद्रक दोनों आपस में फ्यूज होते हैं और फिर होता है भ्रूण का निर्माण। तो ये इस तरह से प्रोसेस होती है जो कि आपको 12th में निशेचर वाले पोर्शन में पढ़ना है। तो ये पूरी प्रोसेस जो है इसमें अंडाणु की संरचना और उसका चित्र आपको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके थैंक यू।